पाताल लोक, वो दुनिया जो जमीन के नीचे है, वो दुनिया जहां इंसानों का पहुंचना संभव नहीं है। पौराणिक कथाओं में पाताल लोक का जिक्र बार बार मिलता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या काल्पनिक है पाताल लोक या सचमुच है पाताल लोक का वजूद? रामायण की कथा के मुताबिक पाताल लोक तक पहुंचे थे पवन पुत्र हनुमान। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त। रामायण की कथा के मुताबिक राम भक्त हनुमान अपने इष्ट देव को अहिरावण के चंगुल से बचाने के लिए एक सुरंग से पाताल लोक पहुंचे थे। इस कथा के मुताबिक पाताल लोक ठीक धरती के नीचे है। वहां तक पहुंचने के लिए 70,000 योजन की गहराई पर जाना पड़ता है। अगर आज के वक्त में हम अपने देश में कहीं सुरंग खोदना चाहें, तो ये सुरंग अमेरिका महाद्वीप के मेक्सिको, ब्राजील और हॉन्डुरस जैसे देशों तक पहुंचेगी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मध्य अमेरिका महाद्वीप के हॉन्डुरस में सियुदाद ब्लांका नाम के एक गुम प्राचीन शहर की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इस शहर को आधुनिक लाइडार तकनीक से खोज निकाला है। इस शहर को बहुत से जानकार वो पाताल लोक मान रहे हैं जहां राम भक्त हनुमान पहुंचे थे। दरअसल इस विश्वास की कई पुख्ता वजह हैं। संभव है कि भारत या श्रीलंका से कोई सुरंग खोदी जाएगी तो वो सीधे यही निकलेगी। दूसरी वजह यह है कि वक्त की हजारों साल पुरानी परतों में दफन सियुदाद ब्लांका में ठीक राम भक्त हनुमान के जैसे वानर देवता की मूर्तियां मिलती हैं। इतिहासकारों का कहना है कि प्राचीन शहर सियुदाद ब्लांका के लोग एक विशालकाय वानर देवता की मूर्ति की पूजा करते थे। लिहाजा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं हजारों साल प्राचीन सियुदाद ब्लांका ही तो रामायण में जिक्र पातालपुरी तो नहीं है। तो क्या अमेरिका में है हनुमान का पाताल लोक? नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे वैज्ञानिक खोज की जिसने एक धार्मिक पहेली को सुलझाने का सुराग दे दिया है। यह खोज हुई है मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरास के जंगलों में गुम हो गए एक प्राचीन शहर की। इसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ये रामायण में जिसका जिक्र है पातालपुरी, ये वही तो नहीं है। उस प्राचीन शहर के अवशेष में वानर देवता की मूर्ति मिली है जो बजरंग बली हनुमान से मिलती जुलती है। सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि कहीं अमेरिका में ही हनुमान का पाताल लोक तो नहीं था। किंवदंतियां हैं कि पूर्वोत्तर होंडुरास के घने जंगलों के बीच मस्कीटिया नाम के इलाके में हजारों साल पहले एक गुप्त शहर, प्राचीन शहर सियुदाद ब्लांका। कहा जाता है कि हजारों साल पहले इस प्राचीन शहर में एक हलती फूलती सभ्यता सांस लेती थी जो अचानक ही वक्त की गहराइयों में गुम हो गई। अब तक की खुदाई में इस शहर के ऐसे कई अवशेष मिले हैं जो इशारा करते हैं कि सियुदाद के निवासी वानर देवता की पूजा करते थे। गौर से देखिए सियुदाद के वानर देवता की इस मूर्ति को। घुटनों के बल बैठे वानर देवता की इस मूर्ति को देखते ही राम भक्त हनुमान की याद आ जाती है। घुटनों के बल बैठे बजरंग बली की मूर्ति वाले मंदिर आपको हिंदुस्तान में जगह जगह मिल जाएंगे। हनुमान जी के एक हाथ में उनका जाना पहचाना हथियार गदा भी रहता है। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन शहर से मिली वानर देवता की मूर्ति के हाथ में भी गदा जैसा हथियार नजर आता है। तो क्या मध्य अमेरिका में मिली मूर्ति बजरंग बली की है? सवाल यह भी है कि क्या मध्य अमेरिका में है रामायण का पाताल लोक? दरअसल मध्य अमेरिका के एक मुल्क में प्राचीन शहर की खोज के साथ सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रामायण की कथा में ऐसे सूत्र बिखरे पड़े हैं जो कहते हैं कि भारत या श्रीलंका की जमीन के ठीक नीचे वो लोक है जिसे पातालपुरी कहा जाता था। पातालपुरी का जिक्र
रामायण के उस अध्याय में आता है जब मायावी अहिरावण राम और लक्ष्मण का हरण कर उन्हें अपने माया लोक पातालपुरी ले जाता है। ये एक ऐसी घटना थी कि पूरे रामादल में इसको लेकर के बहुत चिंता और बहुत ही दुख का माहौल हुआ। विभीषण ने इस राज को प्रकट किया कि ये कोई समस्या नहीं है, ये यहाँ से जो जिस तरह से ये भूमि में छेद हो रहा है, ऐसा लगता है कि अहिरावण जो है वो उन्हें ले गए। रामायण की कथा के अनुसार हनुमान जी को अहिरावण तक पहुंचने के लिए पातालपुरी के रक्षक मकरध्वज को परास्त करना पड़ा था, जो ब्रह्मचारी हनुमान का ही पुत्र था। दरअसल मकरध्वज एक मत्स्य कन्या से उत्पन्न हुए थे, जो लंका दहन के बाद समुद्र में आग बुझाते हनुमान जी के पसीना गिर जाने से गर्भवती हुई थी। वापस आ रहे थे तो रामचंद्र जी ने पूछा कि ये कौन है, ये वानर कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये इस तरीके से अपना पुत्र बता रहा है मुझे। तो रामचंद्र जी ने उसका वहाँ पाताल लोक के लिए राज्याभिषेक किया। राम कथा के मुताबिक अहिरावण वध के बाद भगवान राम ने वानर रूप वाले मकरध्वज को ही पातालपुरी का राजा बना दिया था, जिसे पातालपुरी के लोग पूजने लगे थे। होंडुरास के गुप्त प्राचीन शहर के बारे में सबसे पहले ध्यान दिलाने वाले अमेरिकी खोजी थियोडोर मोर्डे ने दावा किया था कि स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया था कि वहाँ के प्राचीन लोग वानर देवता की ही पूजा करते थे। उस वानर देवता की कहानी काफी हद तक मकरध्वज की कथा से मिलती जुलती है। हालांकि अभी तक प्राचीन शहर सियुदाद ब्लांका और राम कथा में कोई सीधा रिश्ता नहीं मिला, लेकिन प्राचीन शहर के बारे में गहरी खोज से ये साफ हो सकता है कि क्या वाकई ये पातालपुरी ही है। क्या सचमुच इस प्राचीन शहर का रिश्ता बजरंग बली से है? जयपुर से भवानी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। घने जंगलों में जमीन में दफन एक प्राचीन शहर अपने इतिहास के साथ सांस ले रहा है। ये शायद दुनिया को कभी नहीं पता चलता अगर अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम उसे तलाशने के लिए क्रांतिकारी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करती। लिडार के नाम से जाने जाने वाली इस तकनीक ने जमीन के नीचे कैसे 3D मैपिंग से प्राचीन शहर को खोज निकाला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास में वानर देवता वाले प्राचीन शहर की खोज बरसों पुरानी है। होंडुरास में उस प्राचीन शहर की किंवदंती सदियों से सुनाई जाती है, जहां बजरंग बली जैसे वानर देवता की पूजा की जाती है। ये कहानियां होंडुरास पर राज करने वाले पश्चिमी लोगों तक भी पहुंची। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक अमेरिकी पायलट ने होंडुरास के जंगलों में कुछ अवशेष देखने की बात की, लेकिन इसके बारे में पहली पुख्ता जानकारी अमेरिकी शोधकर्ता थियोडोर मोल्डे ने 1940 में दी। एक अमेरिकी मैगजीन में उसने लिखा कि उस प्राचीन शहर में वानर देवता की पूजा होती थी, लेकिन उसने शहर की जगह का खुलासा नहीं किया। बाद में रहस्यमय हालात में थियोडोर की मौत हो जाने से प्राचीन शहर की खोज अधूरी ही रह गई। इसके करीब 70 साल बाद अब होंडुरास के घने जंगलों के बीच मस्किटिया नाम के इलाके में प्राचीन शहर के निशान मिलने शुरू हुए हैं, जो संभव हुआ लाइडार तकनीक से। अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी और नेशनल सेंटर फॉर एयरबोन लेजर मैपिंग ने होंडुरास के जंगलों के ऊपर आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से प्राचीन शहर के निशान को खोज निकाला है। LIDAR is a fairly new technology which sends LIDAR pulses from the airplane to the ground. LIDAR तकनीक की मदद से ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने होंडुरास के जंगलों के ऊपर से उड़ते हुए अरबों लेजर तरंगें जमीन पर फेंकी। इससे जंगल के नीचे की जमीन का 3D डिजिटल नक्शा तैयार हो गया। 3D नक्शे से जो आंकड़े मिले उससे जमीन के नीचे प्राचीन शहर की मौजूदगी का पता चल गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि जंगलों की जमीन की गहराइयों में मानव निर्मित कई चीजें मौजूद है। दिस काइंड ऑफ क्विक लार्ज एरिया शोइंग दिस पोटेंशियली अ मैन-मेड फीचर्स कुड एक्सपेडाइट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्कियोलॉजी इन होंडुरास। हालांकि लाइडर तकनीक से जंगल के नीचे प्राचीन शहर होने के निशान मिल गए हैं,
लेकिन ये निशान किंवदंतियों में जिक्र होने वाला सियुदाद ब्लांक के ही हैं, ये शायद अभी पता ना चले। दरअसल पर्यावरण के प्रति सजग होंडुरास जंगलों के बीच खुदाई की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में सिर्फ ये अनुमान ही लगाया जा सकता है कि जंगलों में एक प्राचीन शहर दफन है। इस इलाके में बजरंग बली जैसे वानर देवता की कुछ मूर्तियां जरूर मिली हैं, जिससे ये कयास लगाए जाने लगे कि कहीं किंवदंतियों का ये शहर रामायण में जिक्र किए गए पाताल लोग ही तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। स्पेशल रिपोर्ट में आप देख रहे हैं एक ऐसी पाताल लोक की कथा जिसके निशान मध्य अमेरिकी देश होंडुरास में खोज निकाले गए हैं। इसे पाताल लोक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां बजरंग बली जैसे दिखने वाले वानर देवता की पूजा की जाती थी, लेकिन पाताल लोक से इस प्राचीन शहर की समानता यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं वो नगरी पातालपुरी की तरह सोने की थी और कुछ और भी समानताएं थी। रामायण में पातालपुरी का वर्णन एक ऐसी नगरी के रूप में किया गया है जिसका राजा मायावी अहिरावण था। जैसे रावण की लंका सोने की थी, वैसे ही पातालपुरी भी धन और वैभव से चमकती रहती थी। वीर हनुमान के हाथों अहिरावण के वध के बाद भगवान राम ने मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा बनाया था। कुछ ऐसी ही कहानियाँ मध्य अमेरिकी देश होंडुरास की उस प्राचीन नगरी के बारे में भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सियुदाद ब्लांका भी पातालपुरी की तरह ही बहुत अमीर और धन वैभव से भरी हुई थी। दरअसल 100 साल से इस प्राचीन नगरी की खोज हो ही इसीलिए रही है क्योंकि किंवदंतियों में वहां बहुत बड़ा खजाना होने का जिक्र है। सवाल ये है कि क्या गुम हुई प्राचीन नगरी में सचमुच है खजाना? क्या खजाने के लिए हो रही है प्राचीन नगरी की तलाश? दरअसल पश्चिमी मुल्कों में पहली बार 1526 में एक खोजी दल ने गुम हुई प्राचीन नगरी का जिक्र स्पेन के राजा किंग चार्ल्स पंचम से किया था। तभी से इस गुम नगरी को स्पेनी भाषा में लास या दूध ब्लांका कहकर पुकारा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है सफेद शहर। ये मानने वालों की कमी नहीं, सियुदाद ब्लांका की इमारतों पर सोना और हाथी दांत जड़ा था, इसीलिए इसे सफेद नगरी कहा जाता है। The reason it is called the Ciudad Blanca is probably because of the reflection off of the white limestone. Se llama Ciudad Blanca porque en realidad muchos de los sitios en el área tienen una piedra calcárea, o sea, una piedra de cal. चूने के पत्थरों वाले इलाके की वजह से ही होंडुरास इस प्राचीन शहर के ऊपर उगाए जंगलों को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहता। लेकिन इससे सियुदाद ब्लांका की तलाश में लगे खोजी दलों का जोश कम नहीं हुआ है। दरअसल मध्य अमेरिका की प्राचीन कथाओं में सियुदाद ब्लांका का केंद्रीय स्थान है। इसे एस्टेक सभ्यता के भगवान क्वेटजल कोटल का जन्म स्थान भी माना जाता है। कहा जाता है कि शहर में उनकी सोने की मूर्तियां थी और जब ये शहर गुम हुआ तो उसके साथ खजाना भी गुम हो गया। इसीलिए आज भी यहाँ खजाने की खोज करने वाले लोग भटकते मिल जाते हैं।